नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी गाइड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपसे जिस टॉपिक को लेकर बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही काम का है। जी हाँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये है साउंड सिस्टम यानी के ऑडियो सिस्टम। दोस्तों हम सभी के घर में साउंड सिस्टम तो जरूर होता है, आप MP3 प्लेयर बोलिए, आप होम थिएटर बोलिए, आप आईपॉड बोलिए, आपको जिसमें गाना सुनाई देता है उसमें ऑडियो फंक्शन जरूर होता है। आप एलईडी टीवी की बात करें, एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी में भी ऑडियो फंक्शन है। दोस्तों मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ इस ऑडियो फंक्शन के बारे में कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है और उसमें ऑडियो फंक्शन खराब है यानी कि ऑडियो नहीं आ रहा है, आप खास करके एलईडी टीवी की बात करें, अगर देखिए आपके पास अगर एलईडी टीवी है तो अगर एलईडी टीवी में ऑडियो चला जाए यानी कि ऑडियो फंक्शन खराब हो गया है तो आप पूरा मदरबोर्ड अगर खराब हो जाए उसका तो पूरा मदरबोर्ड उसका चेंज करना पड़ता है और इसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऑडियो के सर्किट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको आप आसानी से एलईडी टीवी में फिट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बहुत ही छोटा सर्किट है और बहुत ही काम का है। मैं आपको इस वीडियो में उस सर्किट का फंक्शन समझाऊंगा, उसको कैसे आप कनेक्शन करते हैं, कैसे वोल्टेज आप इसमें देंगे और कहाँ क्या क्या कनेक्शन लगेगा। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा डिटेल्स बता दूंगा और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा एक एलईडी टीवी में, सैमसंग का एलईडी टीवी है 22 इंच का, जिसमें ऑडियो फंक्शन काम नहीं कर रहा है, ऑडियो सर्किट खराब हो गया है और उस ऑडियो सर्किट को अगर आप रिप्लेस करना चाहे तो पूरा मदरबोर्ड जो है वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं इस ऑडियो सर्किट को एलईडी टीवी में लगा के दिखाऊंगा, इसमें इंस्टॉल करवा के दिखाऊंगा और कनेक्शन करके इसको मैं ऑडियो सुना के आपको दिखाऊंगा। ये बहुत कारीगरी है और ये जो ऑडियो सर्किट है ये बहुत ही लो प्राइस का है, ठीक है, बहुत ही लो प्राइस का है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये जो ऑडियो सर्किट है इतना छोटा है कि किसी भी कैबिनेट के अंदर हो या फिर किसी भी इतना की छोटा और पतला क्यों ना हो उसमें आसानी से ये फिट हो जाएगा। और होम थिएटर की बात करें, आप MP3 प्लेयर की बात करें, आप साउंड बॉक्स की बात करें, छोटा पोर्टेबल हो आपके पास जिसमें बड़ा वाला जो ऑडियो सर्किट है वो नहीं लग आप इंस्टॉल नहीं कर पाते, आप उसे सेट नहीं कर पाते, तो ये सर्किट आप आसानी से उस पर फिट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से फिट कर सकते हैं। तो चलिए हम सर्किट की तरफ चलते हैं और वीडियो में आपको दिखाते हैं कि ये जो सर्किट है इसका फंक्शन क्या है और इसको कैसे कनेक्शन करना है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आप इसको किसी भी एलईडी टीवी में कैसे आप लगा सकते हैं, या फिर आप अगर चाहे कि आपके पास कोई स्पीकर हो तो आप डायरेक्ट उस स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं इस ऑडियो सर्किट से और आप आसानी से किसी भी मोबाइल फोन से आप ऑडियो का सिग्नल लेके उसमें डालेंगे तो आप साउंड सुन पाएंगे, म्यूजिक सुन पाएंगे। तो चलिए सर्किट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे कनेक्ट करना है। देखिए हम सर्किट में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि यहाँ पे जो ऑडियो का सर्किट है ये सर्किट हम थोड़ा सा पेन से आर्ट किया हो क्योंकि आपको समझाने में आसानी हो। अब चलिए सर्किट को हटा देते हैं और हमने जो डायग्राम आर्ट किया हो इस डायग्राम से समझते हैं इसका कनेक्शन। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये डायग्राम है, पूरा डायग्राम सर्किट का। देखिए सबसे पहले ये पावर सप्लाई है, ये 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट में चलता है। देखिए यहाँ पे ग्राउंड और यहाँ पे 5 वोल्ट कनेक्शन होगा और यहाँ पे ऑडियो इन होगा, ये लेफ्ट, और आप मिडिल पे देख रहे हैं ये ग्राउंड और उसके बाद राइट, ये ऑडियो इनपुट है। और ये जो इस सेट टॉप बॉक्स है, सेट टॉप बॉक्स या फिर मोबाइल से ऑडियो इन यहाँ पे होगा, तो ऑडियो सेट टॉप बॉक्स या फिर मोबाइल से ऑडियो आके यहाँ पे इन होगा लेफ्ट और राइट में, और ग्राउंड है और सप्लाई जाएगा। और देखिए यहाँ पे आउटपुट है, आउटपुट में दो स्पीकर है लेफ्ट और राइट, आप देख सकते हैं एल आउट आर लिखा है यहाँ पे, एल और आर लेफ्ट और राइट स्पीकर आउटपुट, दो स्पीकर इसमें कनेक्टेड होगा। तो ये जो सर्किट है ये इस तरह से कनेक्टेड होगा, सप्लाई 5 वोल्ट है और दो स्पीकर लगेगा और ऑडियो इन सेट टॉप बॉक्स या फिर मोबाइल से आएगा।
अब चलिए हम पीसीबी में चलते हैं और पीसीबी में थोड़ा सा कनेक्शन देख लेते हैं। देखिए ये जो मिडिल है, लेफ्ट और राइट के एकदम मिडिल में ग्राउंड है। इसका ग्राउंड और 5 वोल्ट का जो माइनस है ग्राउंड, दोनों ग्राउंड एक साथ जोड़ दिया हूँ मैंने, दोनों ग्राउंड एक ही है और यहाँ पे 5 वोल्ट है और ऑडियो इन राइट और लेफ्ट है और यहाँ पे दो स्पीकर है लेफ्ट और राइट। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है, बिल्कुल आसान सा कनेक्शन है। और अगर आप वॉल्यूम कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप सेट टॉप बॉक्स या फिर मोबाइल से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो बेसिक पार्ट है वो मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ पे कितना वोल्टेज चाहिए, कहाँ पे वोल्टेज लगेगा और क्या क्या कनेक्शन होगा। तो दोस्तों इसका पूरा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल या कोई सुझाव हो, आपको किसी भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। और आप चलते हैं अगले स्टेप, यानी के इस सर्किट को सैमसंग एलईडी टीवी में 22 इंच एलईडी टीवी में कैसे लगाते हैं वो आपको दिखाते हैं अगले वीडियो में। और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, नीचे देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।